हुण अंतर जाती व्याह ते सरकार 10 लाख रुपए दा तोहफा देवेगी। जी हाँ, अंतर जाती व्याह करन वाले जोड़िया नू 10 लाख रुपए दिते जाणगे। इस रकम दे विचों 5 लाख रुपए 8 सालां दे लई फिक्सड डिपोजिट दे रूप दे विच बनाए जाणगे, जबकि बाकी 5 लाख रुपए लाड़ा लाड़ी दा सांझा बैंक खाता बना के जमा करवाए जाणगे। तुहानू डिटेल दे विच दसदे आ कि आखिरकार की है पूरी स्कीम अते की होणगियां शर्तां। हाल ही दे विच बजट दे विच भी इसका ऐलान किया गया। समाजिक न्याय अते अधिकारता विभाग ने डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजाती व्याह योजना की राशि 5 लाख रुपए वधाउण दे निर्देश जारी किए ने। इस तो पहला सरकार अंतरजाती व्याह ते 5 लाख रुपए का इंसेंटिव दिंदी सी। जारी हिदायतां अज तो लागू होणगियां, जिस दे तहत राजस्थान दे विच अंतरजाती व्याह करन वाले जोड़िया नूं 10 लाख रुपए दिते जाणगे। इस रकम दे विचों 5 लाख रुपए 8 सालां दे लई फिक्स्ड डिपोजिट दे रूप दे विच बनाए जाणगे, जबकि बाकी 5 लाख रुपए लाड़ा लाड़ी दा सांझा बैंक खाता बना के जमा करवाए जाणगे। दस दईए कि सीएम अशोक गहलोत ने 2023-24 दे बजट दे विच राशि वधाउण दा ऐलान कीता सी। समाजिक न्याय अते अधिकारता विभाग दे पोर्टल ते उपलब्ध जानकारी दे अनुसार इह स्कीम 2006 दे विच शुरू हो गई सी। इस तो पहला इस स्कीम दे तहत नवे व्याहे जोड़े नूं 50,000 रुपए दिते जांदे सन, पर 1 अप्रैल 2013 नूं इस नूं वधा के 5 लाख रुपए कर दिता गया। हुण तक इंटरकास्ट व्याह दे लई नवे जोड़े नूं 5 लाख रुपए दिते जांदे सन, पर अज तो ही यह रकम वधा के 10 लाख रुपए कर दिती गई है। इस स्कीम दा नाम डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजाती व्याह योजना है। इस तहत 75% राशि सूबा सरकार अते 25% केंद्र सरकार दे वल्लों सहन कीती जांदी है। इस स्कीम दे तहत सरकार दे वल्लों पिछले वित्तीय साल दे विच 33,55,00,000 रुपए अते चालू साल दे विच 4,50,00,000 रुपए तो वादी राशि जारी कीती गई है। अंतरजाती व्याह योजना दे तहत हुण तक 2,50,000 रुपए व्योता जोड़े दे सांझे खाते दे विच 8 सालां दे लई फिक्स्ड डिपोजिट दे वजो जमा करवाए जांदे सन, अते बाकी 2,50,000 रुपए उन्हां दे व्योता जीवन दे विच रोजाना दे कम्मां दे लई दित्ते जांदे सन। जोड़ा इस पैसे दी वरतों किते भी कर सकता है। स्कीम दे तहत लड़के अते लड़की दे विचों एक अनुसूचित जाति श्रेणी दे नाल संबंधित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दी उम्र 35 साल तो वध ना होवे, किसी भी अपराधिक मामले दे विच मुलजम नहीं ठहराए होने चाहिए। समर्थ अधिकारी या फिर अधिकारी दे दफ्तर दे वल्लों जारी किए गए व्याह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंतरजाती व्याह करन वाले जोड़े दे व्याह दा सबूत होवेगा। जोड़े दी संयुक्त आमदन 2,50,000 रुपए सालाना तो वध नहीं होनी चाहिए। अजिहे जोड़े नूं केंद्र अते राज सरकार दी समांतर स्कीम दे विच कोई वित्तीय लाभ ना लिया होवे। जेकर व्याह दी मिति तो 1 साल दी म्याद दे अंदर विनय पत्र प्राप्त हुंदा है तां स्कीम अधीन लाभ मिलेगा। इस योजना दा लाभ नौजवान अते लड़की दे पहले व्याह ते ही मिलेगा। हुण दस्तावेज दे बारे दस दिंदे आं। समर्थ अधिकारी दे द्वारा जारी कीते गए व्याह दे सर्टिफिकेट दी कॉपी, राजस्थान दे निवास प्रमाण पत्र दी कॉपी, विद्यक योग्यता अते जन्म मिति सर्टिफिकेट दी कॉपी, जोड़े दे आधार कार्ड अते भामाशाह कार्ड दी कॉपी, बचत खाता नंबर अते पैन कार्ड दी कॉपी, लड़के अते लड़की दी आमदन सर्टिफिकेट, जोड़े दी सांझी फोटो, विधवा दे मामले दे विच पति दे मौत दे सर्टिफिकेट दी कॉपी। हुण तुहानू दस दिंदे आ कि 10 लाख रुपए दे लई रजिस्ट्रेशन किवें करिए। सब तो पहला राजस्थान SGMS पोर्टल लिंक ते जाना पवेगा। पोर्टल ते SGMS SMS विकल्प ते क्लिक करो तां जो तुसी पोर्टल ते पहुंच सको। नवे उपभोक्तावां नूं रजिस्ट्रेशन लिंक ते क्लिक करके पहला अपने आप नूं रजिस्टर करन दी लोड़ होवेगी। इस तो बाद SSOID खोलन तो बाद सिटीजन पार्क ते क्लिक करो अते SGMS एप्लीकेशन दे लिंक ते क्लिक करो। अर्जी फार्म दे विच पुछी गई जानकारी नूं सही ढंग दे नाल भरो अते सबमिट बटन ते क्लिक करो। तुसी व्याह दे 1 साल दे अंदर इस स्कीम दा लाभ लै सकते हो। 1 साल दे बाद कीतियां अर्जियां स्वीकार नहीं कीतियां जाणगियां। गुआंढी सूबियां दे मुकाबले राजस्थान दे विच अंतरजाती व्याहवां ते उपलब्ध रियायतां कई गुणा ज्यादा ने। हरियाणा, पंजाब अते मध्य प्रदेश दे विच अंतरजाती व्याह दे लई 2,50,000 रुपए देण दी व्यवस्था है,
जबकि राजस्थान दे विच साल 2013 तो ही 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ओनली।